ये नीर झरने की सीट है, तीसरी एंट्री होती है नीर झरने की। अब मैं जा रहा हूँ नीर झरने की तरफ। तो गाइज इस समय मैं आ चुका हूँ नीर झरना, जो नीरगढ़ में है। तो नीर झरने की जो कॉस्टिंग है वो 30 रुपीज़ की टिकट एंट्री है, मैंने भी दिखाया था आपको उसमें। और ये देखिए नीर झरने की हाइट काफ़ी है, मैंने जो ट्रैवल किया है भी वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, काफ़ी हाइट पर है। ये देखिए यहाँ पर ही आपको पार्किंग नहीं है, बस रोड के साइड में आपको मतलब गाड़ी पार्क करके और जस्ट आपको 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस पे ही पीछे नीर झरना है। मैं उस तरफ अभी जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको खाने पीने की शॉप्स भी मिल सकती हैं, जहाँ पे आप स्नैक्स टाइप में कुछ खा सकते हो, मैगी है और कोल्ड ड्रिंक ये सब लगा हुआ है। ये नीरगढ़ वाला वाटरफॉल है, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी थोड़ी फिर मुझे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, कितने खड़ा हो आपने करा हो आपने किया हो? तो ये नीर झरने के लिए मेरी टिकट चेक की इन्होंने, उसके बाद में मैं यहाँ से एंट्री कर पाया हूँ। इस समय मात्र हूँ नीर झरने पे और देखिए आप आराम से झरने को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये नीर झरना आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब वाटर है एकदम। ये एक ब्रिज बनाया हुआ है जिससे आप अपना स्नैप फोटो ले सकते हैं। नीर झरने के लिए मुझे अब थोड़ा और हाइट पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि पानी नीचे बहुत ज़्यादा गंदा है, तो क्लीन वाटर के लिए मेरे को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। और काफ़ी हाइट है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन देखते हैं ऊपर क्या है। चलता हूँ ऊपर फिर दोबारा।
Jai 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 Jai